नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धरने के चौथे स्तंभ पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समूहों पे छापा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी आदित्यनाथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी आदित्यनाथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला बंद करो। इस पे ना चढ़िए, इस पे ना चढ़िए। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। पत्रकारों पर हमला बंद करो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अराजकता पे उतरी हुई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला न करने की बात की जाए तो इस तरीके से पोस्टर बैनर को लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरीके से अघोषित आपातकाल लग गया है, पहले तो छात्र, महिलाएं, देश के लोकतंत्र में तमाम पार्टियां और राजनेता परेशान थे, और अब जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है, और आज तो हद ही हो गई जब भारत समाचार और भास्कर समूह के ठिकानों पर, उनके ऑफिसेस के ऊपर, जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकारों के घरों के ऊपर आईटी का छापा डाला उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये स्पष्ट इस बात का संदेश है कि जो भी सरकार से सवाल पूछेगा उसकी जवाबदेही तय करेगा, उसके यहाँ आयकर का छापा डलवा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र पर हमला है, और योगी राज में जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बार बार हमला किया गया, लगातार हमले किए गए, कभी पत्रकारों को जेल में डाला गया, पत्रकार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं तो पुलिस में सुनवाई नहीं होती है, और आज उसी क्रम में जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा जी के घरों पर छापा डाला गया, भास्कर समूह के ऑफिस पर छापा डाला गया, ये बहुत निंदनीय है। आज इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करना जानती है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने वाली इस उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। आज 22 तारीख है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये 22 तारीख को हम लोग ये तय करते हैं कि आने वाले 2022 जो कि 6 महीने बाकी है, इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे।